प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप आने वाली सभी वीडियो देख सकें। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रोहतक। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये रोहतक में है। क्वेश्चन नंबर दो, थारी पेंशन थारी पास योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 4 अगस्त 2015 को इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ से की थी। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध बाबा प्रसादगिरी का मंदिर कहाँ है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ये झज्जर में है। सिद्ध बाबा प्रसादगिरी का मंदिर झज्जर। क्वेश्चन नंबर चार, हरियाणा का पहला आचार्य कुलम है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पानीपत के डिकाडला गांव में है दोस्तों ये हरियाणा का पहला आचार्य कुलम। क्वेश्चन नंबर पाँच, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? तो दोस्तों किस जिले की है? यह है रेवाड़ी जिले की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी जिले में है। क्वेश्चन नंबर छः, चौधरी लहरी सिंह का संबंध है? दोस्तों इनका संबंध है सोनीपत से। चौधरी लहरी सिंह का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है। क्वेश्चन नंबर सात, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 7 सितंबर 2015 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर आठ, दिव्यदान में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि रोहतक और हिसार, इन दोनों का दिव्यदान में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नौ, हरियाणा में सबसे लंबी चलने वाली विधानसभा? तो दोस्तों ये थी चौथी विधानसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथी विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष हरियाणा में पहली बार दैनिक हरी भूमि प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1996 में, जो है हरियाणा में पहली बार दैनिक हरी भूमि प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, फतेहाबाद में जो है हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। क्वेश्चन नंबर 12, नादिर शाह ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1739 में नादिर शाह ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 13, कंवरपाल सिंह कहाँ से विधायक हैं? क्वेश्चन नंबर 13, कंवरपाल सिंह कहाँ से विधायक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगाधरी। दोस्तों ये कंवरपाल सिंह जो है ये वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं जी, और ये जगाधरी से विधायक हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं संतोष यादव वो है अटेली से, और अटेली है दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पीर जमाल की मजार कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोनीपत में, पीर जमाल की मस्जिद सोनीपत में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगपुर बांध किस जिले में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फरीदाबाद, अंगपुर बांध है ये फरीदाबाद जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अबूबी शहर, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जिले के साथ राजस्थान के अधिक जिले लगते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से जो दोस्तों राजस्थान के 4 जिले महेंद्रगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी घर। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में हरियाणा के कितने जिले NCR में शामिल हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 जिले हरियाणा के NCR में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में खंडों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 140 खंड, हरियाणा में 140 खंड है। क्वेश्चन नंबर 21, अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है ये कहाँ? क्वेश्चन नंबर 21, अमरूद तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है तो दोस्तों ये कहाँ है? यह है बूना, ऑप्शन बी अमरूद तकनीकी प्रदर्शन बूना गांव में है। क्वेश्चन नंबर 22, नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी श्री राम शर्मा, नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मानसिंह, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मानसिंह था। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा के किस जिले की मिट्टी उदासीन प्रक्रिया वाली है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यमुनानगर, यमुनानगर जिले की मिट्टी उदासीन प्रक्रिया की है। क्वेश्चन नंबर 25, बाबा उदासनाथ का मेला किस दिन लगता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अमावस्या, बाबा उदासनाथ का मेला अमावस्या के दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी गुरुग्राम, बूढ़ी तीज का मेला गुरुग्राम में लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5, 5 हरियाणा में अब तक उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे कम पंचायत समिति वाला मंडल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रोहतक, रोहतक जो है सबसे कम पंचायत समिति वाला मंडल है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 30, कालेश्वर तीर्थ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रावण ने जो है कालेश्वर तीर्थ की स्थापना की थी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।